हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर मैंने वर्ड पावर मेड इजी की जो हमारी बुक है उस बुक के कंप्लीट सेशंस, जो कि शुरुआत में उन्होंने जो सेशंस दे रखे हैं वो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद जो उसमें पीछे डिक्शनरी दी है उसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने की रिक्वेस्ट थी कि उस डिक्शनरी को कवर किया जाए, उसे मैंने शुरू किया। कुछ 5 पार्ट्स में मैंने वीडियोज बनाए भी थे बट आगे जाके मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज की इस वीडियो से हम एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं कि वही जो डिक्शनरी पीछे दी गई है हम उसे कवर कर सकें और उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें अपने तरीके से याद कर सकें, जैसे कि मैं आपको याद कराता हूं। तो आशा करता हूं आप लोगों ने वो वीडियोस देख रखे होंगे। अगर नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा और इस वीडियो से भी आप आज शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से मैंने जैसा बताया जो डिक्शनरी के पीछे के पार्ट्स दिए हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। 5 पार्ट्स कवर हो गए थे तो पार्ट 6 से ये वीडियो हमारा आज शुरू होता है। तो आइए जानेंगे क्या कुछ है इस वीडियो के कंटेंट्स और क्या कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। इस वीडियो में जैसा मैंने बताया वर्ड पावर मेड इजी जो किताब आपको लाल किताब दिख रही है इसी को मैंने कवर किया है, प्रेजेंटेड बाय मी अमन त्रिवेदी। मेरे बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। मेरा कोड है AMANT जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो कि 6500 का दिखता है वो आपको 5850 में मिल जाता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आपको स्क्रॉल पे नीचे एक मेरा नंबर दिख रहा होगा 8299117042। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप उससे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी पर मेरी 2 फ्री क्लासेस होती हैं, एक 1 PM पर एक 5 PM पर। तो उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा मैंने बताया दिस इज द वर्ड लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। जो पीछे डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं उनको हम लोग याद करने वाले हैं। तो पहला शब्द आज का हमारा क्या है, पहला शब्द हमारा है आपका ऑगमेंट। ठीक है, बात करें ऑगमेंट की कि ऑगमेंट का मतलब क्या होता है। ऑगमेंट का मतलब होता है टू इंक्रीज द अमाउंट वैल्यू साइज एटसेट्रा ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज की वैल्यू साइज एटसेट्रा को बढ़ाते हैं तो उसे हम ऑगमेंट करना कहते हैं, यानी कि किसी चीज की वैल्यू बढ़ाना किसी चीज का साइज बढ़ाने को हम ऑगमेंट कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, कंपाउंड, एनलार्ज, एस्केलेट, एक्सपेंड, एक्सटेंड, हाइप, इंक्रीज या फिर मल्टीप्लाई। और एंटोनिम्स यानी कम करना हो जाएगा तो एंटोनिम में पहला शब्द आएगा अबेट, डिक्रीज, डीएस्केलेट, डिमिनिश, ये हमारे एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है, डाउनसाइज और डाउनडिंडल भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इसे याद कर सकते हो, ही रोट मैगजीन्स इन ऑर्डर टू ऑगमेंट हिज इनकम, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उसने मैगजीन्स लिखना शुरू किया। ठीक है, इसको याद करने का तरीका जैसा कि मैंने हमेशा अपने पुराने वीडियोस में भी किया है इस वीडियो में भी करेंगे। याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा हो सकता है कि आप इसे इस पिक्चर से याद कर सकते हो। आपको पता होगा ये पिक्चर जो है इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है उसकी है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि इजराइल ऑगमेंटेड इट्स रॉकेट्स टूवर्ड्स हमास, यानी कि इजराइल ने अपने रॉकेट्स की संख्या और हमास की तरफ बढ़ा दी। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला हमारा इडियम है आपका ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब देखिए क्या होता है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शोइंग साइंस दैट समथिंग इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, यानी कि ऐसे कुछ लक्षण दिखना, ऐसे कुछ संकेत दिखना जिससे आपको ये पता लगता हो कि आज भविष्य में ये योजना सफल हो सकती है, यानी कि शुभ संकेत मिलना, इज कॉल्ड ऑस्पिशियस। सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्राइट, एनकरेजिंग, फेयर, गोल्डन, हर्टनिंग, होपफुल, लाइकली। और एंटोनिम हो जाएगा ब्लीक, डार्क, डिप्रेसिंग या डेस्परेट। ठीक है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है, आप इसे याद रख सकते हैं। माय सिंसियर कांग्रेचुलेशंस ऑन हिज ऑस्पिशियस इवेंट ऑफ योर्स। ठीक है, याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ये मीम आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा ही मंगल अवसर है, यानी ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, बड़ा ही शुभ अवसर है, बड़ा ही मंगल अवसर है। तो इस idiom के से आप बहुत इस मीम से आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं ऑस्पिशियस को। आई थिंक अब याद रहेगा आप सभी को, कोई भूलेगा नहीं ये आपका वर्ड। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ संकेत। अगला वर्ड हमारा इसी सीरीज में आता है आपका ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब क्या है, ऑस्टियर का मतलब होता है सिंपल एंड प्लेन विदाउट एनी डेकोरेशंस, सिंपल एंड प्लेन विदाउट एनी डेकोरेशंस। ऑस्टियर का दूसरा मतलब यह भी होता है कि अपने खर्चों में कटौती करना, खर्चों में कटौती करना, ऑस्टेरिटी।
ऑस्टेरिटी मतलब होता है, देखिए ऑस्टियर क्या है, एडजेक्टिव, ऑस्टेरिटी आई टी वाई लगेगा तो ये बन जाएगा नाउन, ठीक है। तो ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब हो जाता है खर्चों में कटौती करना, बहुत ही सिंपल सादा जीवन उच्च विचार के तरीके से चलना, इस कॉल्ड ऑस्टियर, ठीक है। सिनोनिम ऑथोरिटेरियन, फ्लिंटी, हार्श, हार्श हो जाएगा, रिजिड, रिगरस, सीवियर, सीवियर, स्टर्न, रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। एंटोनिम इसका क्लीमेंट हो जाएगा, फोर बियरिंग, जेंटल, इंडलजेंट, लैक्स, लीनियंट, टॉलरेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द चर्च वॉज ऑस्टियर एंड सिंपल, ठीक है, यानी कि चर्च बहुत ही खर्चों में कटौती, यानी बहुत ही सिंपल रह रहा था, और ऑस्टियर था, बहुत ही सिंपल प्लेन था, ठीक है। तो इस कोट से आप याद रख सकते हैं ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि बहुत ही सिंपल लाइफ जीना और कम खर्चे करना, ठीक। अगला idiom हमारा क्या है, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और क्रेसी, क्रेसी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ये हमने पढ़े हैं शुरुआती चैप्टर्स में। तो ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, क्रेसी मतलब हो गया आपका गवर्नमेंट। तो ऑटोक्रेटिक मतलब हो गया हैविंग कंप्लीट पावर, यानी कि वो व्यक्ति जो संपूर्ण शक्ति रख रहा है और ऑथोरिटेरियन स्टेट चला रहा है, यानी तानाशाही कर रहा है और किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑथोरिटेरियन सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑथोरिटेरियन, टोटलिटेरियन, डेस्पोटिक मतलब हो जाता है ऑटोक्रेटिक, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी चला रहा है, दूसरे किसी की नहीं सुन रहा, उसे ऑटोक्रेटिक कहते हैं, ठीक है। डिक्टेटोरियल हो जाएगा, मोनोक्रेटिक हो जाएगा, टिरेनिकल, ये सारे सही हैं, डिस्पोटिक भी सही है इसका सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड, और फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट रिजाइंड आफ्टर 30 इयर्स ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल। तो ऑटोक्रेसी के एग्जांपल के लिए आप इनका चेहरा बहुत आराम से याद रख सकते हैं, आप सभी पहचानते होंगे इनको, अगर पहचानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कौन है। तो ऑटोक्रेटिक मतलब हो जाता है आपका तानाशाही करना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ऑटोनॉमस। ऑटो मतलब मैंने बताया, ऑटो मतलब सेल्फ, नॉम मतलब नेम होता है, तो ऑटोनॉमस का मतलब होता है एबल टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर्स। जैसे कि कानपुर में एक इंस्टीट्यूट है HBTI, हरकोट बटलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इंस्टीट्यूट जो अपने अपने छात्रों को लेता जरूर UPTU के एंट्रेंस एग्जाम से है, लेकिन उसका UPTU से कोई लेना देना नहीं है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि खुद ही गवर्न करती है, वो किसी से दिशा निर्देश नहीं लेती है, तो उसे ऑटोनॉमस करना कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे फ्री, फ्री स्टैंडिंग, इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्न्ड, सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ रूलिंग, सेपरेट, और एंटोनिम हो जाएगा डिपेंडेंट होना, नॉन ऑटोनॉमस हो जाना, नॉन सेल्फ गवर्निंग हो जाना, सब्जेक्ट होना, अनफ्री होना। टीचर्स एम टू हेल्प चिल्ड्रन बिकम ऑटोनॉमस इन दियर ऑटोनॉमस लर्नर्स, ठीक है, यानी कि मैं हम चाहते हैं कि आप लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएं, हमें आपको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो आप सभी जानते हैं टेस्ला की जैसे कार्स हैं वो ऑटोनॉमस कार्स हैं, खुद ही अपने आप को गवर्न करती हैं, किसी को उसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस तरीके की कार को ऑटोनॉमस कार कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए idiom जो है एवरिस। एवरिस का मतलब क्या होता है, एवरिस का मतलब होता है एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, पैसे की बहुत अधिक भूख, जैसी आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, बिल्कुल वैसी। तो एवरिस का मतलब हो जाता है आपका एवरिशियस, AVARICE, मतलब हो जाता है एक्सट्रीम डिजायर फॉर हेल्थ, और यहीं पर वोरेशियस आ जाए, VORACIOUS, तो वोरेशियस का मतलब हो जाता है आपका, वोरेशियस का मतलब हो जाता है वो भी ग्रीडी है, लेकिन वोरेशियस ईटर हो सकता है, वोरेशियस आपका खाने के लेकर हो सकता है, वोरेशियस रीडर हो सकता है, लेकिन एवरिशियस पैसे को लेकर ही होगा। तो वोरेशियस भी ग्रीडी है, लेकिन वोरेशियस खाने और पढ़ने को लेकर है, और एवरिशियस सिर्फ पैसे को लेकर है। तो इसीलिए सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्विजिटिवनेस, एवरिशियसनेस, एविडिटी, एविडनेस, कोवेटसनेस, क्यूपिडिटी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एवरिस मेक्स पीपल, मेक्स रिच पीपल वॉन्ट टू बिकम इवन रिचर, यानी कि एवरेज जो है, यानी कि जो और ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा है, ये रिच लोगों को और ज्यादा रिच बनाती है। तो सिनोनिम्स के तौर इसके याद करने के लिए आप ये बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे से तू, पैसे पे तू मरती। तो शी इज वॉट, शी इज एवरीशियस, यानी वो पैसे को लेकर बहुत पागल है, वो एवरीशियस है। तो ये आपका करेक्ट idiom को याद करने का तरीका हो जाएगा एवरीशियस, आई थिंक आप सभी लोगों को भी याद रहेगा, ठीक है। अगला टर्म देखिए हमारा क्या होता है, नेक्स्ट टर्म होता है अवाव। अवाव का मतलब क्या होता है, टू से क्लियरली एंड ऑफन पब्लिकली व्हाट योर ओपिनियन इज, व्हाट यू थिंक इज ट्रू। आप जो भी सोचते हैं या आपका जो भी ओपिनियन है उसे बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है, अवाव, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा अफर्म, अलेज, असर्ट, अवर, अवाउच, और क्लेम, कंटेंट, डिक्लेयर, इंसिस्ट, मेंटेन, और एंटोनिम हो जाएगा डिनाय करना, गेन से करना,
और अ फॉल्स फ्रेंड इज वर्स देन अ वाउड एनिमी, यानी कि एक जो झूठा मित्र है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, एक अवाउड यानी कि जिसने ऑलरेडी पब्लिकली बता रखा है कि वो तुम्हारा एनिमी है, उससे वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो, अवाव जो मैं सोचता हूँ मैं बोलता हूँ, यानी कि ये अवाय अवाव माई ओपिनियंस, जो मैं सोचता हूँ मैं बोलता हूँ, आई अवाव माई ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस को बहुत ही क्लियरली पब्लिकली एक्सप्रेस करता हूँ। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है एवंकुलर। एवंकुलर का मतलब हो जाता है, इसको सिंपली ऐसे याद रखो, एवंकुलर में अंकल टर्म आ रहा है, यानी कि बिहेविंग लाइक अंकल, सिंपल, बिहेविंग इन अ काइंड एंड फ्रेंडली वे टूवर्ड्स यंग पीपल सिमिलर टू द वे अ काइंड अंकल ट्रीट्स हिज नीसेस और नेफ्यूज, यानी कि अवंकुलर मतलब हो गया इस तरीके से बिहेव करना, उस तरीके से जिस तरीके से काइंड अंकल अपने छोटे बच्चों के भाई भतीजों के साथ में बिहेव करता है। ठीक है, जस्ट कीप एन एवंकुलर सुपरविजरी आई ऑन सुपरविजरी आई ऑन देम, यानी कि उनके उस साथ में बस एक अपनी नजर उन पे बनाए रहिएगा, तो उसके लिए एवंकुलर टर्म आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एवंकुलर, जैसे मनोज वाजपेयी इस फिल्म में वासेपुर में बोलता है ना यहाँ पे कि बोल देना नया कुर्ता पहन के आए थे, तो ये क्या एवंकुलर बिहेवियर है, बच्चों के साथ में बहुत ही फ्रेंडली और अच्छे से प्यार से बोलना एवंकुलर बिहेवियर कहलाता है। ठीक, अगला टर्म हमारा कौन सा है, अगला टर्म है ऑरी। ठीक है, ऑरी, पौड़ी सुना था, पौड़ी से ही मिलता जुलता है ऑरी, ऑराइट। तो ऑराइट मतलब हो जाता है आपका टर्न्ड और ट्विस्टेड टुवर्ड्स वन साइडेड, यानी कि इसको आप ऐसे समझो, इफ समथिंग गोज ऑराइट इट डज नॉट हैपन इन द वे दैट वाज प्लान्ड, यानी कि जिस तरीके से आपने प्लान किया था उस तरीके से अगर कोई चीज नहीं होती है तो उसे ऑराइट होना कहते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएगा एस्क्यू, अस्लैंट, अटिल्ट, कुका, कॉकहूप, कॉकेड, क्रेजी, क्रूड, लिस्टिंग, लॉपसाइडेड, ऑब्लिक, अनटाइडी, और एंटोनिम हो जाएगा इवन, लेवल और स्ट्रेट। ठीक है, तो ऑराय मतलब हो गया जैसा आपने प्लान किया था कुछ वैसा ना हो, मैं एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा। ऑल माय प्लान्स फॉर द पार्टी हैड गॉन्स ऑराय, यानी कि मेरे जो प्लान्स थे पार्टी के लिए वो सारे के सारे खराब हो गए। तो ये अवंकुलर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑराय होगा, मतलब होगा भाईज अटेम्प्ट टू क्रिएट अनदर मास्टरपीस वेंट ऑरी, यानी कि भाई ने जो कोशिश की नया एक मास्टरपीस बनाए वो ऑरी चला गया, यानी कि वो काफी खराब हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, भाई के पेरेंट्स बुरा ना माने, पिक्चर बढ़िया है। ठीक है, अगला टर्म है एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, यानी कि एक रूल या फिर प्रिंसिपल जो कि ज्यादातर लोग उसे सच मानते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सियोम। सिनोनिम हो जाएगा पोस्टुलेट, प्रेमाइज, हाइपोथेसिस, कैनन, डॉक्ट्राइन, डॉगमा। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड एक्सियोम दैट यू ओनली यू कैन सक्सीड थ्रू हार्डवर्क, ये पुरानी कहावत है कि सिर्फ तुम ही हार्डवर्क के थ्रू सक्सेस पा सकते हो, तो आपका एक्सियोम मतलब हो गया पुरानी कहावत। अगला टर्म है बेनल। बेनल मतलब होता है वेरी ऑर्डिनरी एंड कंटेनिंग नथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑर्डिनरी, और कुछ भी ऐसा नहीं होना कि जो कि इंटरेस्टिंग हो और इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा फ्लैट, इंसिपिड, ट्राइट, कॉमन प्लेस, क्लीशे, हैकनेट, स्टीरियोटाइप्ड, यानी जिसमें कोई नयापन नहीं होना। सिनोनिम हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा ही न्यू हाउ बेनल द क्वेश्चन was as soon as he had asked, यानी उसे पता चल गया कितना क्लीशे क्वेश्चन है, कितना कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जब उससे पूछा गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो कि जोक्स ऑन भाईज मूवी हैज बिकम क्लीशे नाउ, या फिर बेनल नाउ, यानी कि भाई की फिल्म पे जो हम जोक्स मार रहे हैं लगातार, हर बार वही पिक्चर आती है, कोई भी पिक्चर आती है आप सेम तरीके के जोक्स मारते हो, नया एपिडेमिक है, ये है, वो है, तो ये सब के सब क्या है, दे हैव बिकम क्लीशे नाउ, यानी कि बहुत ही बेनल हो गए, हैकनीड हो गए, कॉमन प्लेस रिमार्क हो गए, ट्राइट हो गया है, आपका क्लीशे हो गया, बहुत पुराना हो गया, इसमें कुछ नयापन नहीं है, दैट इज कॉल्ड बेनल। अगला टर्म हमारा है आपका बेन। बेन का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेस ट्रबल एंड मेक्स पीपल अनहैप्पी, कुछ ऐसा जो लोगों में समस्या पैदा करता है और लोगों को दुखी करता है। सिनोनिम हो जाएगा एफ्लिक्शन, कर्स, नेमेसिस, स्कॉर्च, एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिट, ब्लेसिंग, बून या फिर फेलिसिटी, गॉड सेंड, गुड, मना, वाइनफॉल। ठीक है, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द नेबर्स किड्स आर द बेन ऑफ माय लाइफ, तो बेन साउंड्स लाइक पेन, तो उसको वहीं से याद रखिए, बेन पेन, बेन पेन मतलब हो गया समथिंग दैट कॉजेस ट्रबल एंड मेक्स पीपल अनहैप्पी, लोगों को दुखी करता है। ठीक है, बेन साउंड्स लाइक पेन इज द, इसको याद करने का तरीका हो जाएगा। अगला टर्म हमारा है आपका बैशन। देखिए, बैस्टियन लिखते हैं, बैशन पढ़ते हैं, बैस्टियन मतलब हो जाता है अ प्लेस दैट मिलिट्री फोर्सेज आर डिफेंडिंग, यानी कि कैसल, किला, साइटेडल, फोर्ट्रेस, फास्टनेस, फोर्ट, फोर्टिफिकेशन, होल्ड, रिबाउट, रिडाउट, स्ट्रॉन्ग होल्ड, इसे कहते हैं हम बैशन। बैशन मतलब होता है किला,
सिंगापुर वॉज द लास्ट बैस्टियन ऑफ ब्रिटिश डिफेंसेज इन साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर जो है वो ब्रिटिशर्स का लास्ट आपका बैस्टियन था, यानी कि लास्ट उनकी कॉलोनी थी, एक तरीके से किला था. तो बैस्टियन याद रख सकते हैं, ये आपको याद हो. इसमें वो बोलता है ना कि हजरात 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 इतने बम तुम्हारे इलाके में इतने बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा. तो आप इलाके को बैस्टियन कर से रिप्लेस कर लो. बैस्टियन मतलब किला. तुम्हारे बैस्टियन में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा. तो बैस्टियन मतलब क्या है? किला. याद रखिएगा. अगला टर्म हमारा है आपका बिगेट. बिगेट का मतलब होता है टू बिकम द फादर ऑफ अ चाइल्ड. किसी बच्चे का पिता होना या फिर टू मेक समथिंग हैपन. दो अर्थ हैं, एक है टू किसी बच्चे का पिता होना या फिर किसी चीज को होना, टू मेक समथिंग हैपन. एफेक्चुएट, एंजेंडर, एंजेंडर, जनरेट, इंड्यूस, इन्वोक, मेक, ओकेजन, प्रोड्यूस, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे. ही डाइड विदाउट बिगेटिंग एन आयर. याद रखिए एच ई आई आर. पढ़ते हैं हायर, लिखते हैं आयर. याद रखेंगे आयर, ठीक है. सो ही डाइड विदाउट बिगेटिंग एन आयर. करेक्ट. सिनोनिम हो जाएगा, नाउन हो जाएगा इसका बिगेटर. नाउन में अगर ई आर या ओआर लगता है तो कॉमन नाउन बनता है. तो इसको आप याद रख सकते हैं कि पूछता ना यहाँ पे लड़का हुआ है लड़की, तो सरदार खान बिगेट्स फैजल खान. ठीक है, फैजल खान नहीं होता शायद यहाँ पे, पर जो भी हुआ है बच्चे का नाम मुझे नहीं पता, बट सरदार खान बिगेट्स अ सन. ये सन हो जाएगा यहाँ पे, मीनिंग हो जाएगा मतलब वो फादर बन गया. ठीक. इसके अलावा अगला है बिलेबोर. बिलेबोर का मतलब हो जाता है किसी पर वर्बली अटैक करना. किसी पर वर्बली अटैक करना क्या हो जाता है? बिलेबोर. सिनोनिम हो जाएंगे dwell on, upon, harp on. एंटोनिम हो जाएगा disregard, forget, ignore, overlook, overpass, pass over, slight, slur. Please don't belabor the point. यानी कि आप please इस पे लड़िए मत, criticism मत, attack मत करिए. एक तरीके से लड़ने के sense में ही आता है belabor. तो आपको याद होगा belabor का perfect example है ये picture. आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि दो बार UPSC mains clear किया था मैडम ने. तो she was belaboring with the policeman. ठीक है, तो belabor मतलब समझ आ गया होगा अच्छे से. ठीक है. ओके, अगला है आपका, अगला टर्म है बिलीगर्ड. बिलीगर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिफिकल्टीज इज कॉल्ड बिलीगर्ड. बहुत सारी समस्याओं का सामना करना, क्रिटिसिज्म का सामना करना क्या कहलाता है? बिलीगर्ड. ठीक है. सराउंडेड बाय एन एनिमी भी इसका एक अर्थ है. बिसीज, ब्लॉकेड, इन्वेस्ट, लीगर. वी आर बिलीगर्ड बाय द प्रॉब्लम्स. द बिलीगर्ड लीडर वॉज फोर्स टू रिजाइन. यानी कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलने के लिए भी आता है. द बिलीगर्ड लीडर वॉज फोर्स टू रिजाइन, यानी कि वो लीडर जो कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेल रहा था उसे रिजाइन करना पड़ा. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बिलीगर्ड राइट नाउ विद द क्रिटिसिज्म. यानी कि इस समय क्रिटिसिज्म से घिरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी. हर कोई उन पर अटैक कर रहा है, हर कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा है. तो बिलीगर्ड उस सेंस में आएगा. अगला टर्म हमारा है बिलाय. बिलाय का मतलब होता है गिव द टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ. किसी चीज का फॉल्स इंप्रेशन देना. लाय मतलब झूठ, बिलाय मतलब किसी चीज को झूठ बनाना. समबडी और समथिंग. ठीक है. तो सिनोनिम हो जाएगा मिस रिप्रेजेंट. एंटोनिम बिट्रे. रिप्रेजेंट हो जाएगा. हिज एनर्जी एंड यूथफुल गुड लुक्स बिलाइज हिज 65 years. तो आप सभी जानते हैं अनिल कपूर को. हिज लुक्स बिलाइज हिज एज. ठीक है, यानी कि उसके जो लुक्स हैं वो उसकी एज को झूठा बताते हैं. ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है बिलाय का. आपको अच्छे से याद होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या इस पिक्चर में हो रहा है. मतलब भाई क्या दिखाना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो वो बिलाय है. ठीक है, समझ आया हो तो कमेंट में बताना जरूर और लाइक जरूर करना. बिलिटिल का मतलब क्या होता है? टू मेक समबडी और समथिंग दैट समबडी डज सीम अनइम्पॉर्टेंट. किसी चीज को कमतर होके दिखाना. अच्छा, अगर वीडियो यहाँ तक आप लोग देख ही रहे हो तो कमेंट में अटेंडेड जरूर लिखना. अगर कुछ आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आप शेयर करोगे और थोड़े से व्यूज ज्यादा आएंगे तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा. बिलिटिल का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को कम करना, किसी चीज की वैल्यू को कम दिखाना. तो सिनोनिम हो जाएगा डिक्राय, डेनिग्रेट, डेप्रिकेट, डेप्रिशिएट, डेरोगेट, डिमिनिश. एंटोनिम हो जाएगा अक्लेम, अपलॉड, एक्सॉल्ट, extol, glorify, laud, magnify, praise, तारीफ करना. She felt her husband constantly belittle her achievements. यानी उसे ऐसा लगा कि उसका husband उसकी मेहनत को हमेशा कम करके दिखाता है, कम करके मानता है. That is called belittle. अगला है belligerent. belligerent मतलब होता है aggressive and unfriendly. बहुत aggressive होना और unfriendly होने के लिए आता है. synonym aggressive है, agnostic है, agonistic है, argumentative है. ठीक है, assaultive है, chippy है, combative है, confrontational है. ये सारे इसके synonyms हो जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा antonyms हो जाएगा non-regressive, pacific, peaceable.
ठीक है, अनबिलिग्रेंट कॉम्बैटिव अनकॉन्टेंशियस, ही इज ऑलवेज वेरी बिलिग्रेंट टूवर्ड्स मी, यानी वो मुझे मेरी तरफ हमेशा बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, ठीक है। तो इसराइल इज ऑलवेज बिलिग्रेंट टूवर्ड्स पैलेस्टीन, इसराइल पैलेस्टीन की तरफ काफी ज्यादा एग्रेसिव रहता है, बेलिग्रेंट रहता है, ठीक। अगला टर्म है आपका बिम्यूज्ड, बिम्यूज्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना पूरी तरीके से और आप कुछ सोच नहीं पाए। सिनोनिम हो जाएगा एडल्ट, बिफॉग्ड, बिफर्डल्ड, बिविल्डर्ड, परप्लेक्स्ड, ठीक है, कैच 22 सिचुएशन, एट सी, इन डिलेमा, ये सारे सिनोनिम्स भी हो जाएंगे इसके। एंटोनिम क्लियर हेडेड हो जाएगा। शी लुक्ड समवॉट शेकन एंड बिम्यूज्ड बाय व्हाट हैड हैपेंड, यानी कि वो काफी ज्यादा हिली हुई और काफी ज्यादा बिम्यूज्ड दिख रही थी जो हुआ, ठीक है। तो आई वॉज बिम्यूज्ड एट द आफ्टर वॉचिंग दिस सीन दैट भाई का हाथ है या फिर आपका ये विंटर सोल्जर का हाथ है। सो बिम्यूज्ड मतलब होता है कंफ्यूज्ड हो जाना, ठीक है, जैसे कि आप सभी इस सीन को देखने के बाद हो गए होंगे। ऑलराइट, तो ये आज तक की हमारी क्लास थी जिसमें हमने सारे वर्ड्स को देखा। अगर आप सब में से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो 8299117042 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, AMANT कोड है मेरा। साथ ही साथ हर महीने नए कोर्सेज आते हैं और डेली दो क्लासेस फ्री हो रही हैं अनअकैडमी पर, एक 1 PM पर और एक 5 PM पर। दोनों क्लासेस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड है, डिस्क्रिप्शन में पिंड है, आप उनसे वहां से ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे इस क्लास की PDF भी मिलेगी और वहां पे आपको बाकी की क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो अभी तक के लिए यहीं पर तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।